दोस्तों आईपीएल 2020 का नीलामी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इस ऑक्शन में काफी सारे खिलाड़ी हमें बड़े कीमत पर बिकते हुए दिखाई दिए हैं और इस साल का मिनी ऑक्शन में एक खिलाड़ी तो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी का खिताब भी जीत चुका है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आईपीएल 2020 के सबसे महंगा 10 खिलाड़ियों के नाम तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप भी आईपीएल का डाई हार्ड फैन है और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों लिस्ट पे पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस। दोस्तों पैट कमिंस को लेकर बोली काफी दूर तक गया और आखिर में केकेआर के टीम ने उनको 15.5 करोड़ में खरीद के टीम में शामिल कर चुके हैं। केकेआर के टीम ने पैट कमिंस के लिए 15.5 करोड़ खर्च करके पैट कमिंस को आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा महंगा विदेशी खिलाड़ी बना चुके हैं। लिस्ट पे नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल बड़े ही खतरनाक खिलाड़ी और सभी को पता था काफी महंगा जाने वाला है, तो इसीलिए इस साल का नीलामी में किंग्स इलेवन पंजाब ने ग्लेन मैक्सवेल को 10.75 करोड़ में खरीद चुके हैं और ग्लेन मैक्सवेल बन चुका है इस साल का सेकेंड हाईएस्ट पेड खिलाड़ी। लिस्ट पे नंबर 3 पे नाम आता है साउथ अफ्रीका के खतरनाक ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस का। दोस्तों आरसीबी के टीम ने नीलामी में इस खिलाड़ी को खरीद चुका है और आरसीबी के टीम ने क्रिस मॉरिस के लिए 10 करोड़ खर्च कर चुके हैं। तो आईपीएल 2020 में क्रिस मॉरिस आपको आरसीबी के टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देने वाला है। उसके बाद नंबर 4 पे नाम आता है वेस्टइंडीज के बेहतरीन तेज गेंदबाज सेल्डन कॉटरेल का। दोस्तों सेल्डन कॉटरेल से इंडिया वर्सेस से वेस्टइंडीज के सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और इसीलिए नीलामी में उनके बोली काफी दूर तक गए और आखिर में पंजाब के टीम ने उनको 8.5 करोड़ में खरीद के टीम में शामिल कर चुके हैं। तो पंजाब के फैन के लिए काफी खुशी की खबर है कि बेहतरीन गेंदबाज को इस साल पंजाब के टीम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 5 पे है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर नेथन कुल्टननेल। जी हाँ दोस्तों, नेथन कुल्टननेल काफी अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं और मुंबई के टीम ने उनको इस साल के नीलामी में 8 करोड़ में खरीद चुके हैं। तो नेथन कुल्टननेल बन चुका है इस साल के नीलामी में मुंबई के टीम से खरीदा हुआ सबसे महंगा खिलाड़ी। उसके बाद नंबर 6 पे नाम आता है वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर का। दोस्तों ये खिलाड़ी 2019 में आरसीबी के टीम से खेले थे लेकिन उनसे उस तरह का परफॉर्मेंस ना होने की वजह से आरसीबी के टीम ने इस साल रिलीज कर दिए थे, पर हाल ही में उनसे काफी खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिला और इसीलिए नीलामी में उनका बोली काफी दूर तक गए और दिल्ली के टीम ने 7.75 करोड़ में उनको खरीद के टीम में शामिल कर चुके हैं। तो इस साल के आईपीएल में सिमरन हेटमायर दिल्ली के टीम की तरफ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है केकेआर के टीम से रिलीज हुआ खिलाड़ी पीयूष चावला के नाम। जी हाँ दोस्तों, पीयूष चावला काफी दिनों से केकेआर टीम में थे और इस साल रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अनुभवी पीयूष चावला का इस साल का नीलामी काफी अच्छा गया और सीएसके के टीम ने उनको 6.75 करोड़ में खरीद चुके हैं। तो पीयूष चावला अब केकेआर टीम में नहीं बल्कि सीएसके के टीम में देखने को मिलेगा। उसके बाद नंबर 8 पे नाम आता है इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम कुरान का। सैम कुरन पिछले साल काफी अच्छा प्रदर्शन किए थे और इस साल भी काफी महंगा बिक चुके हैं। सैम कुरन को भी सीएसके के टीम ने इस साल 5.5 करोड़ देकर खरीद चुके हैं। तो सीएसके के टीम ने इस साल एक्सपीरियंस और नए खिलाड़ी मिला के काफी स्टेबल टीम बना चुके हैं। उसके बाद नंबर 9 पे आता है इंग्लैंड का कप्तान ओएन मॉर्गन का नाम। दोस्तों सभी टीम का फैन चाह रहे थे ओएन मॉर्गन को अपने पसंदीदा टीम में देखने के लिए और आखिरकार बोली शुरू होते ही केकेआर टीम उनके पीछे पड़ गए और 5.25 करोड़ में खरीद चुके हैं। ओएन मॉर्गन काफी अच्छा अनुभवी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, तो केकेआर टीम आईपीएल 2020 में उनको जरूर खिलाने वाला है। आखिर में नंबर 10 पे है आरसीबी से रिलीज हुआ खिलाड़ी मार्कस टोइनिस। ऑस्ट्रेलिया टीम के ये ऑलराउंडर टी20 में काफी अच्छा प्रदर्शन देते हैं और इसीलिए दिल्ली के टीम ने 4.8 करोड़ में उनको नीलामी से खरीद चुके हैं। तो मार्कस टोइनिस इस साल दिल्ली के टीम की तरफ से खेलने वाले है। तो दोस्तों ये थे 10 खिलाड़ियों के नाम जो इस साल के नीलामी में सबसे महंगा बिके और उनको मिला आईपीएल 2020 में नए टीम का साथ। तो आप कौन से खिलाड़ी को फेवरेट टीम में देख के खुश हुए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Take care.